बहुत ही प्यारा सा संकल्प। आज तक हमने जब से जन्म लिया है और जब से हमने इस लौकिक में भक्ति काल में या माता पिता के साथ रहे हैं, तो हमने आपने नहाते वक्त जो याद किया है या जो मंत्र धारण किया है अपने में, वो है गंगा से रिलेट, या कोई पतित पावनी गंगा को याद कर लेना और नहा लेना, या जल देवताए नमः कह करके नहा लेना। इस तरह से अलग अलग तरीके से हमने आपने अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को जो बीमार आदि हैं उनको हम इस तरह से नहलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सेल्फ एक्सपीरियंस और खुद के लाइफ में, मैंने बहुत सालों से इस बात को, इस मंत्र को अप्लाई किया हुआ है और आज मैं आपके सामने वो मंत्र रख रही हूँ। और आप जरूर अपने जीवन में अप्लाई करिए। जब आप अपने छोटे बच्चों को नहलाते हैं तब अप्लाई करिए। कोई आपके घर में बीमार है और आप उसको नहलाते हैं तो उसके लिए अप्लाई करिए। आप अपने खुद के जीवन में अप्लाई करिए और सबको यह मंत्र जरूर बताइए कि किस तरह से हम इस मंत्र को अप्लाई करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं अनुभव के साथ, तो किस तरह से आपके शारीरिक रोग खत्म होते हैं, कैसे आप निरोगी बनते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि देखिए, जो पानी है वो हमारे बॉडी के तीन हिस्से में है ना, सभी जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वरिष्ठ भाई बहनों ने बहुत सारे मंत्र जो किए हैं कि आप पावरफुल बनाइए पानी में, आप क्या कहते हैं, क्या डालिए, वाइब्रेशंस डालिए और उसको पी करके अपनी बीमारियों का नाश करिए। ऐसे ही नहाते वक्त भी आप इस तरह से यदि अपने जीवन में कुछ एक मतलब शक्तिशाली संकल्पों के साथ में यदि आप स्नान करते हैं, कराते हैं, तो आप सचमुच निरोगी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखिए जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं और अपने में प्रैक्टिकली भी धारणा भी की है। जैसे हम जब बचपन में कहीं गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, तो हमारे आजी माँ और माँ क्या करती थी, चूल्हे का राख उठाती थी, उसमें थोड़ा हल्दी चूना मिला करके वो घाव पर रख देती थी और घाव ठीक हो जाता था। क्योंकि सबके संकल्प होते थे कि अब तो ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ऐसे तो लगती रहती है ना। और अब देखो तो एक छोटा सा फुंसी होगी या छोटा सा कहीं कुछ घाव होगा तो वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि 6 6 मंथ भी वो ठीक नहीं होता, 6 6 महीने आप डॉक्टर्स की दवा खाते भी हैं, ऑइंटमेंट लगाते भी हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी यहां सोच थी ना ठीक होने की, वो सोच जो है ना ना ठीक होने में बदली हो गई है। तो सबसे पहले तो आपको बीमारी यहां से ठीक करनी होती है, फिर बाद में आपके शरीर से बीमारी जाती है। जैसे हम जब हम नहाने के वक्त जब भी आप लोटी डालते हैं या जैसे भी आप स्नान करते हैं शावर से, तो आपको कुछ इस तरह से संकल्पों को रखना है कि ये जो तत्व है, जो पानी है, वो तत्व रचता बाप की रचना से एक तत्व है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, या हमारे जीवन में बहुत सारी जगहों पे इस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप शुक्रिया करिए और उस तत्व को ऐसे इस्तेमाल करिए कि जैसे जैसे वो आपके शरीर पर पड़ रहा है वैसे वैसे आपके शरीर की बीमारियां एक एक करके एकदम खत्म हो रही हैं। आपको अनुभव करना है और आपको जैसे जैसे वो पानी पड़ता है तो आपको ऐसा अनुभव करना है जैसे उस परमात्मा ने ये अमृत के द्वारा मुझे एक दवा भेजी है, जिस दवा से मेरे शरीर में यदि कोई भी किसी तरह की भी बीमारी है तो वो बीमारी एकदम खत्म हो रही है। देखिए, हम गंगा जल से स्नान करते हुए एक बूंद पानी डाल लेते थे बाल्टी में, तो एक बूंद गंगा जल डाल लेते थे, तो उसे हम कहते थे कि ये गंगा जल है, अब मैं इससे क्या हो जाऊंगी, पावन हो जाऊंगी। तो वो गंगा जल तो एक्चुअली झूठा है, क्योंकि गंगा जो स्नान करना है, जो ज्ञान गंगा से हमें स्नान करना है, तो वो तो इस ज्ञान सागर पिता के ज्ञान से जब हम स्नान करेंगे, आत्मा को स्नान कराएंगे, तभी हमारी आत्मा पावन बनेगी, है ना। वो तो असंभव बात थी, तो वो तो संभव हुई नहीं। लेकिन इस तत्व से जब आप स्नान करते हैं, पानी रूपी तत्व से, तो पांच तत्वों में से एक तत्व का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर के सारे रोगों को खत्म करने के लिए। आप बच्चे को नहलाते हैं तो ऐसे ही अनुभव करिए कि मैं ये पानी डाल रही हूँ, मेरे बच्चे के जो भी शरीर के रोग हैं वो खत्म हो रहे हैं, ये एकदम निरोगी काया हो रहा है, एकदम परफेक्ट है, जो भी है सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसे ही आप बड़े बुजुर्गों को, ऐसे ही जब आप खुद नहाते हैं और उसका शुक्रिया करते जाइए कि देखो बाबा ने हमें कितना अच्छा, कितना सरल उपाय दिया है। तो इस तरह से ये स्नान का मंत्र आप सदा जब अपने में रोज रोज रिपीट करेंगे तो 1 4 5 बार में आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपकी जो आदत है वो आपको शक्ति बनकर सचमुच निरोगी बनाएगी। और यह सत्य है क्योंकि ये आजमाया हुआ है, और मैं अपने बच्चों को नहलाते समय और मैं खुद स्नान करते समय यह जरूर 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 रिपीट करती हूँ। और इन्हीं संकल्पों के साथ हम जब
टॉवल से पोंछते हैं, तो हम ऐसा समझें कि हम इस मंदिर को सुरक्षित स्वच्छ बना रहे हैं और इस मंदिर में ये प्योर आत्मा बैठी हुई है, जिस प्योर आत्मा की प्योरिटी के लिए वो ज्ञान सागर ब्रह्म तन का आधार लेकर के हमें वो ज्ञान स्नान करा रहा है। तो इस तरह से जब आप अपने जीवन को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आप जरूर निरोगी बनेंगे, क्योंकि आज के इस रावण राज्य में तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है कि सडनली ये इनको क्या बीमारी हो गई है, मैं क्या दवा दूं, क्योंकि जो बीमारी नए नए आ रहे हैं ना उसकी तो खोज करने में समय लगेगा। हम जाते हैं तो हमको ही बताना पड़ता है, फिर वो खुद ही नहीं पता रहता है, तो इसीलिए बीमारियां ठीक नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ से तो हम ठीक हैं नहीं, ऊपर से हम कितना भी खा लें, है ना। अच्छा, तो इस तरह से आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई करिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया शुक्रिया।